उंगली के इशारों कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की गवाही दे रही है। एक अरब आलिम ने सोचा प्यारे आका ने यह क्यों फरमाया, मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है, गारे सोर के बारे में तो नहीं कहा जहाँ तीन रातें जाके ठहरे हैं, गारे हिरा के बारे में तो नहीं फरमाया जहाँ पर पहली वही उतरी है, ओहद के बारे में क्यों कहा, मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है। हेलीकॉप्टर से आज के दौर में ओहद की तस्वीर ली गई, 8 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद का पहाड़ अल्लाह ने यूं बनाया है जैसे लिखा होता है मुहम्मद। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की दुहाइयां दे रही है। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की दुहाई दे रही है। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है। सवाल सुनिए, शायद काम आ जाए किसी के, और मैं खत्मे नबूवत पे एक नए पैराए से आपको दलील दे दूं। जज पूछता है, अच्छा सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले, सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाईयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम फैले, सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले। तो जज पूछता है, आले नजर को तो इंशाल्लाह सवाल में ही लुत्फ आएगा, आले नजर को तो सवाल में लुत्फ आएगा। जज पूछता है, सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले और उसके लिए कोशिश कर रहे हो, तो जज पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम में से किसी के नबी ने कहा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? अगर तो कहा है तो फिर कोशिश करो, तवज्जो, अगर तो जिस नबी के पैरोकार हो, अगर तो उसने ये कहा था कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, तो फिर कोशिश कीजिए, और अगर नहीं कहा तो फिर आपके पास क्या कानूनी हक है, फिर आपके पास क्या अखलाकी हक है, फिर आपके पास क्या शरी हक है? अगर तो उसने कहा, जिसके पैरोकार हो, जिसके मानने वाले हो, अगर तो उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर तो ठीक, अपनी किसी मोतबर किताब से बताइए कि उसने ये कहा हो। दादा जो कहे मेरा 5 मरले का मकान है, पोता रिश्तेदारों से कैसे झगड़ सकता है, मुझे 2 कनाल दो। मुश्किल बात कर दी मैंने। दादा जो कहे मेरा 5 मरले का मकान है, पोता कैसे कह सकता है मैं रिश्तेदारों को कचहरी में घसीटूंगा, मुझे 2 कनाल दो। जिसका तू पोता है उसका दावा ही नहीं, उसका 2 कनाल का दावा ही नहीं, वो तो कहते मेरा 5 मरले का मकान है, कैसे कह सकता है वो पोता कि मैं रिश्तेदारों से 2 कनाल लूंगा। अगर तो जिस नबी के पैरोकार हो, अगर तो उसका दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर कोशिश कीजिए, और अगर उसका दावा नहीं तो फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता है। दोनों खामोश हैं, मुसलमान की बारी आई, कोट भवानी दास वालों आप चुप रहो आपकी मर्जी, जब मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान सीना चौड़ा करके कुरान हाथों में उठा के कहता है, वमार सल्लाह का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमार सल्ला का इल्ला काफतन लिन्नास, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वकफा बिल्लाहि शहीदा। या अय्युहन्नास, फारान की चोटी पे जब आमना कलाल खड़ा हुआ,
हर नबी ने कौम को बुलाया, हर नबी ने कबीले को बुलाया, हर नबी ने बस्ती को बुलाया। क्यों? इसलिए कि एक एक वक्त में कई कई नबी आए। बस्ती का अलहदा नबी, शहर का अलहदा नबी, मुल्क का अलहदा नबी, एक एक वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर कई कई नबी आए। लेकिन जब मेरे आका आए तो मेरे आका फारान की चोटी पे खड़े होके फरमाते हैं, या यूहन्नास, कौम को नहीं मुखातिब हुए, कबीले को नहीं मुखातिब हुए, बस्ती को नहीं मुखातिब हुए। फरमाया, या यूहन्नास, जो भी इंसान है, जहां बसता है, शहरों में है, बस्तियों में है, शहराओं में है, जंगलों में है, आज है आने वाले कल आएगा, जो भी इंसान है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। मेरे आका पूरी कायनात के नबी हैं। ये हक मेरे आका का है, ये हक मेरे आका का है, शरी भी, इखलाकी भी, कानूनन भी, कि अल्लाह ने मेरे आका के सर अकदस पे खत्म नबूवत का ताज सजाया है। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमीन के हसी सब नजारे गवाह हैं, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुसन की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर उबाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवी में असन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तखलीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ्फत में अव्वल, इफ्फत में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहिया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है।